अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बड़ी मुसीबत की बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। श्रीमती
श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री न बने, ये आवाज सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के बीच में से उठी, उनके घर में से उठी। श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री आज बड़े आगे खुद तक था विश्व पार्टी के जो लोकसभा में देखा है श्री शरद पवार, उन्होंने ये मांग उठाई जो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं कल श्री शर्मा, उनकी ओर से ये आवाज उठाई गई, श्री ताई कनवर ने ये आवाज उठाई, ये सब कांग्रेस के थे जिन्होंने आवाज उठाई कि विदेशी मूल का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। बाद में इस मांग को और दलों ने समर्थन दिया, ये मांग कोई व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन देश के हितों की रक्षा के लिए इस तरह का प्रबंध किया जाए ये देशवासी अनुभव करते हैं। लोग सवेरे विदेशी मूल के होने के अलावा किसको कितना अनुभव है ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। विदेशी मूल मात्र मैंने आपको कहा कि मैं तो 40 साल विरोधी दल में रहा हूं, मैंने कभी विरोध के लिए विरोध नहीं किया, रचनात्मक विरोध किया, विधायक विरोध किया और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। मानो आज के जीवन में कहना हमारे 13 महीने के शासन में ये भविष्यवाणियां की गई थी कि हम सरकार में आएंगे तो उपद्रव हो जाएंगे, दंगे होंगे, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ, लड़ाई के दौरान भी सारे देश में शांति रही, भाईचारे का वातावरण रहा, समा अभिवृद्धि में घटनाएं चिंता का विषय है, उन्हें सख्ती से रोकने की आवश्यकता है। आजादी के 50 साल बाद भी हम सामाजिक न्याय नहीं ला सके इसका हमें अफसोस है, मगर अगर दोबारा हमें सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम इस दिशा में प्रगति करके दिखाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये देश सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, यहां जगत गुरु विश्वेश्वरैया जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने समता का संदेश दिया, जिन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया, भारत में अनेक धर्म मानने वाले सब धर्मों का विकास हो, सब धर्मावलंबी सुरक्षित रहे, सुखी रहे, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। हमारी सरकार ने 13 महीने में इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया है। बीते हम चाहते हैं कि महिलाओं को और अधिक शक्ति संपन्न किया जाए, उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाए। हम चाहते हैं कि लोकसभा में ऐसा विधेयक पास हो जिसके अंतर्गत विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान रिजर्व किए जा सके, सीट सुरक्षित की जा सके, लेकिन कुछ पार्टियों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात को फिर से दोहराया है और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी और बनेगी ऐसा निश्चितता दिखाई देता है तो फिर हम विधेयक लाकर 33% सीटें लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए सुरक्षित रखेंगे। अब मैं अपना भाषण समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। पंडित श्रीमती सुषमा स्वराज के आवरण में जय ऋषि पंडित नारेंद्र और आज
समृद्ध सुखमय शांतिमय मत समते ममते सामाजिक न्याय ने ये सुबह भारत बंधु का तोड़ा जय है कर्नाटक माते भारत माते समझाते